Hi, I'm Archana Puran Singh and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. Baba black sheep wala baba nahi, baba kali charan. Maine sabki muradein puri ki hain. Raja ki murad bhi maine puri ki. Uske baad wo raja murad hua. Bhiksham de, bhiksham de, bhiksha deve. Oh, jao baba jao, aage badho. पहले मेरा मूड बड़ा खराब है. बहुत अच्छी बात है. तुम्हारा मूड खराब है, तुम्हारा मुंह भी खराब है, दोनों मैच हो जाएंगे. भिक्षा दे. ओ बाबा, आप मुझे जानते नहीं हो, मैं बता रहा हूँ आपको. नानी ने तुम्हारे 6000 रुपए देने हैं, सिद्धू जी ने 1200, रमेश कुमार ने 1300, टीचर ने 1400 और हम कुछ जानते नहीं. बाबा जी, बाबा जी, आपको ये सब कैसे पता? तू गुटली खा, आम गिनने से मतलब मत रख. बाबा जी, आपने कहावत गलत बोल दी है. सही कहावत ये है कि तुम आम खाओ, गुटली की तरफ क्यों देखते हो? बेटे, अपनी औकात के हिसाब से बात करो. तुम्हारे हिस्से में जो आ रहा है वो खाओ और दबा जाओ यहाँ से. बाबा जी प्लीज ऐसे मत कीजिए, मैं बड़ी उम्मीद से आया हूँ. ओहो, मर्द भी उम्मीद से आने लगे. तुम गलत जगह पे आए हो. चलो हॉस्पिटल जाओ, जाओ जाओ जाओ. ओहो बाबा जी, आप बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ. बड़ा आदमी बनना चाहते हो? हाँ जी. कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र 30 साल. तो 30 साल और रुक जा, तू 60 का हो जाएगा. बाबा मेरी बात सुनो, तुम मुझे कोई ढोंगी बाबा लग रहे हो. मूर्ख. हम ढोंगी बाबा नहीं, हम बहुत पहुंचे हुए हैं. कल तुम इधर थे, हम तुम्हारे घर पहुंचे हुए थे. अच्छा, बाबा जी. ये हाथ देखो, खाली है? खाली है. चाय पिलाओ फिर. हाँ चाय पिलाता. देखा, बाबा ने चाय पी, सारी केतली खाली. मूर्ख, हमें ढोंगी बता रहा है? ये देख क्या है. ये हाथ है, वो भी खाली. आंखें बंद करो. अब आंखें खोलो. बाबा जी अभी भी तो खाली है. झोपड़ी के केतली देखो. बाबा जी ये चमत्कार कैसे हो गया? बाबा जी ये चमत्कार, अभी इस चाय को जाके बेचो, धंधे में तरक्की होगी. चलो दफा हो जाओ. बाबा की जय हो. बाबा की जय. बाबा की जय हो. हाँ हाँ, बाबा जी की जय हो. वाह बालिके, बहुत अच्छे गहने पहने हैं तुमने, अति सुंदर. आपसे मतलब? मतलब मतलब मत करो, मतलब ही औरत. अभी जाके हम डॉक्टर को बता देंगे तुम उसकी बेटी के गहने पहन के जा रही हो. आपको कैसे पता, आप कौन हो? हमें तो ये भी पता है तुम आईपीएल में एंकरिंग करती हो. आईपीएल भी देखते हो? हम तुम्हें देखते हैं मूर्ख, आईपीएल हम क्यों देखेंगे. एक्चुअली क्या है कि मैं ये पार्टी जा रही हूँ, इसलिए मैंने पहन लिया. मैं वापस दे दूंगी. पता नहीं ना मेरे पास ऐसे वाली ज्वेलरी कब आएगा. मेरे हाथ देख लो. ओहो, लड़कियों को भी हाथ ही देखने होते तो हम बाबा बनते. मतलब? मतलब मतलब बहुत करती, मतलब भी औरत. तुम्हारा हाथ बहुत खुश्क है, लिए लो. हम तुम्हें थोड़ा सा तेल लगा देते हैं. ये लो, इधर लो, फटाफट लाओ, फटाफट. चलो 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 चलो, शाबाश. मल्लो 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 मल्लो, फटाफट. ये बहुत ज्यादा है यार, मैं वॉश कर रही हूँ. खबरदार, तेल वेस्ट किया. इधर आओ, इधर हमारे कंधे में बड़ा दर्द, सुबह से आशीर्वाद दे दे के हाथ थक गए. इधर थोड़ा सा गिव मी मसाज. कम कम कम. एक्सक्यूज मी. व्हाट? आई सेड एक्सक्यूज मी. मी टू, व्हाटएवर, फॉरएवर. आई विल बी योर फॉरएवर. आपको इंग्लिश भी आती है? मुझे तो फ्रेंच भी आती है, लेकिन फ्रेंच में दो ही चीजें आती हैं, फ्रेंच दाढ़ी और फ्रेंच टोस्ट. मुझे लगा कि आप किस बोलेगा. ओ, मुझे यही पता करना तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है. किस? ये तो आपका हाँ क्यों ऐसा उठाकर? ये ऐसे परमानेंट रहता है, जैसे लड़कियों को ऐसे अगर तो पटकी तो हाय है, नहीं तो यहीं से बाय. तो आपको हमारी हाय पसंद आई? सुनो, मैं किसी और को लाइक करती हूँ. तो मैं भी किसी और ही हूँ तुम्हारे लिए. मैं तुम्हारे मामा का बेटा हूँ. मैं भी, मुझे भी पराया समझो. बाबा सुनो ना, मेरा सपना भी है ना. क्या? मुझे एक्चुअली डॉक्टर बनना चाहती हूँ. उसके लिए तुम्हें आशीर्वाद चढ़ाना पड़ेगा. इधर लाओ हाथ. एक घंटे तक आशीर्वाद चढ़ जाएगा. ये कैसे चढ़ सकते हैं? ये चढ़ सकते हैं, क्रेडिट चढ़ सकते हैं. ग्लूकोज चढ़ सकता है तो आशीर्वाद क्यों नहीं चढ़ सकता है? तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से भारत तरक्की नहीं कर रहा. भारत बीच में कहां से आया? वाह, मुगल भारत आ गए, अंग्रेज भारत आ गए, ओबामा भारत आ गया, सब भारत आए. भारत कहीं ना जाए. लेकिन 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 कुछ नहीं, भारत माता की जय. अरे पापा क्या हुआ? तुम पर आपत्ति आने वाली है. सारे गहने उतार के हमारे थैले में डाल दो. सच में आपत्ति आने वाली है? ओह,
ये भी? ये सब कुछ, हाँ। लॉटरी, तुम वहाँ क्या कर रही हो? इसको समझाओ, कितनी देर से खड़ी, कुछ कर ही नहीं। जाओ, अंदर जाओ, वरना मैं पापा से शिकायत कर दूंगी। एक तो ये एक डॉक्टर और उसकी सिरिंज जैसी बेटी के साथ मैं परेशान हो गई। लॉटरी, अंदर क्यों नहीं जा रही तुम? कहा ना मैंने अंदर जाओ। बाबा जी, कहाँ आप इस नक्चड़ी के मुंह लग रहे हैं? एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? इसने तुम्हें माँ की गाली दी। क्या? मैंने कहा गाली दी? मैं तो नक्चड़ी कहा। सुन बे जिंगूर, पले मैं पढ़ी कॉन्वेंट स्कूल में, लेकिन गालियां ना सुलभ सोचाली वाली देती हूँ मैं। तू भी कान खोल के सुन ले, उठनी स्टूल पे खड़े होके ना तेरे अपर लिप से ऐसा मुक्का मारूंगी तेरी धुंडी टूट जाएगी। धुंडी कैसे होती है? जब सूझेगी ना तब पता चलेगा। तू देख, यार हमें भी मारो कोई। कौन है बे? कौन है? कौन है बे? तेरा बाप। पापा है? पापा नहीं आए मूर्ख, हम बाबा हैं, हम बहुत अंतर्यामी बाबा हैं। अंतर्यामी? हाँ बाबा जी, मेरे बारे में प्लीज कुछ बताइए बाबा। तुम्हारे बारे में? मैं गंदी गालियां देता अच्छा लगूंगा। पापा, पापा। हाँ बेटे। पापा गहने नहीं मिल रहे। क्या गहने नहीं मिल रहे? कहाँ गए गहने? जो आया है वो जाएगा, जो जाएगा वो आएगा। मैं जूते खाएगा? कोई कहीं नहीं जाएगा। लॉटरी, लॉटरी। क्या नू? पापा, लॉटरी, लॉटरी। पापा, मुझे इस पर शक है। मुझ पर शक ना करना, वरना मैं सबको बताऊंगी कि आपका बाप मुझे छेड़ते। छेड़ते? ओह बाबा, बाबा इधर आओ। आपसे कुछ हिसाब करना, मेरे पैसे वापस दो। मेरा मैथ बड़ा कमजोर है, मैं नहीं करना। चुप रहो। लॉटरी, मेरे गहने कहाँ हैं? मैं पापा को दिए थे। पापा को दिए थे? पापा को दिए थे? ये ले अपने दिए, कंजूस कहीं की। अरे मैं ज्वेलरी के बारे में बात कर रही। ज्वेलरी? भूखी, पहली मुलाकात में कौन कहने देता है? मेरा तो लड़कियों पर से विश्वास उठ गया। और मेरी हाथ ना उठ जाए। Shut up! Shut up! बाबा चुपचाप मेरे पैसे वापस कर दो। पहले गहने चाहिए, पापा कुछ बोल दे क्यों नहीं। एक मिनट, एक काम करते हैं ना। मैं ना कप्पू को फोन लगाता हूँ। पिक अप द फोन यू कप्पू। ये क्या फोन काट दिया? फोन काट दिया, मैं दोबारा लगाता हूँ। पापा ऊ क्या? फिर फोन काट दिया। बदतमीज है। ये क्या हो रहा है? फोन क्यों काट रहा है? मैं फिर लगाता हूँ। यार जब वो बार बार काट रहा है तो दोबारा दोबारा क्यों कर रहे हो? काटो। एक मिनट, एक मिनट, मैं पकड़ा गया हूँ, मैं पकड़ा गया। फिर आप पकड़े गए हैं? आप ऑब्वियसली वो देखो क्या है। कुछ भी नहीं। कहाँ कुछ भी नहीं है, कहाँ कुछ भी नहीं है। कप्पू, आज आज यहाँ एक ऐसे खेल के खिलाड़ी आ रहे हैं जो शायद आप सबने, हम सबने बचपन में खेला है, लेकिन ये लोग खास इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने इस खेल में दुनिया के बाकी सारे देशों के प्लेयर्स को धूल चटाई है। प्लीज वेलकम कबड्डी के वर्ल्ड चैंपियंस मिस्टर अनूप कुमार, मिस्टर राहुल, मिस्टर मोहित चिल्लर, अजय ठाकुर एंड जसवीर सिंह। पाजी हमारे चैंपियंस यहाँ पे हैं, पूरी दुनिया को हरा के इन्होंने वर्ल्ड कप अपने नाम किया। आपकी चार लाइनें हम सुनने का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। दाव पेंच के ये बाजीगर, जरूरत क्या इन्हें हथियार की, दुश्मन थर्रा जाए ऐसी दहाड़ इनकी ललकार की। अपनी जीत से की है जिन्होंने मां भारती की आरती, दसों दिशाओं में गूंज रही है आवाज,
भारत की जय जयकार। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। और हमें बड़ी खुशी है बाजी इस बात की कि कबड्डी जो है, कबड्डी बड़ा पॉपुलर गेम रहा है हमारे हिंदुस्तान का, तो सबसे पुराना गेम है, और इन लोगों ने उसकी शोभा और बढ़ाई है, और ये आज वर्ल्ड कप जीत के हैं। उसके पहले बहुत सारी चैंपियनशिप जो हैं अपने नाम कर चुके हैं। आप सबको, आपकी सारी जितनी भी आपकी अचीवमेंट्स हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई, और हमें आप पे गर्व है, और हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाजी, वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद क्या चेंज आता है लाइफ में, कुछ बदलता है वैसे? देखिए, चेंज हो जाता है सब कुछ, मुझे तो लगता है। अच्छा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद हम लोग वर्ल्ड चैंपियन कहलाएंगे लाइफ टाइम तक, मतलब हमारे नाम के आगे हमेशा लगेगा कि ये वर्ल्ड चैंपियन है। जी, तो बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड, बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। तो आपको सबसे ज्यादा कड़ा मुकाबला आपको क्या लगता है, आपकी किसकी टीम के साथ था? हमारा कड़ा मुकाबला कोरिया के साथ, काफी टफ मुकाबला था। फर्स्ट मैच था हमारा, ओपनिंग मैच, उसमें हम लोग हार भी गए थे, लूज हो गई थी इंडिया 2 पॉइंट से। उसके वो तो चौड़े हो गए होंगे फिर कि हमने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब आप जीते तो फिर मिले आप कोरियन खिलाड़ियों से? कोरियन खिलाड़ियों से मिले तो सही, वो बहुत ज्यादा खुश थे हमें हराने के बाद, काफी खुशी थी उनके चेहरे पे। जब आप वर्ल्ड कप जीत गए फिर? उसके बाद मिले नहीं शायद हम, वो शायद पहले चले गए होटल से चेकआउट करने। जब हमारे प्लेयर्स ने ईरान को हरा के वर्ल्ड कप अपने नाम किया, तो हमारे देश के प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर बच्चन साहब, सचिन तेंदुलकर साहब, शाहरुख खान, आमिर खान, सब ने इनको ट्वीट करके बधाई दी। अच्छा, जब आप बच्चन साहब को रिप्लाई कर रहे थे, आपके दिमाग में आया था कि आपको हमारे शो में आने का मौका मिले? लोग सपाट, लेकिन ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज हमारे शो में आए। अच्छा पाजी, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, बेसिकली जब हम लोग किसी खेल की शुरुआत करते हैं, सपोज आपको पाजी क्रिकेट का शौक है, तो आपके पास फैसिलिटीज होंगी, पापा ने बैट ले दिया। कबड्डी ऐसी गेम है, आपके पास अंडरवेयर होना चाहिए, आप शुरुआत तो कर ही सकते हो। तो ये आपने ताकत की वजह से कबड्डी शुरुआत की थी? बचपन में कपड़े कम थे क्या, मतलब क्या था माहौल उतने से? गांव में सभी कबड्डी प्लेयर्स थे। अच्छा, गांव में तो ऐसे ही देख देखे बचपन में जाते थे ग्राउंड। ओके, तो देखते अपने बड़े, अपने सीनियर को खेलते हुए, तो हमने भी शुरू कर दी कि यार हमें भी ऐसे ही खेलना है। बहुत, आपने बहुत नाम रोशन किया हमारे देश का। भाजी, कबड्डी को ना हमारे देश में भी, जैसे पंजाब या नॉर्थ साइड के लोग कबड्डी बोलते हैं, वैसे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे तमिलनाडु में से साडू गुडू बोलते हैं, साडू गुडू। कोरिया में से पिटू किटू बोलते हैं। साडू पिटू क्या है? साडू गुडू बोलते हैं, आप चेक कर लो गूगल पे। कबड्डी साडू पिटू, साडू गुडू। जैसे महाराष्ट्र में हुतुतु बोलते हैं, बंगाल में बोलते हैं हाडूडू, आंध्र प्रदेश में छेडूडू। मैं सच्ची बोल रहा हूँ। अजी, अपने देश में तो जब हम खेलते, चलो ठीक है, जब आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलते हो दूसरे देशों, वो क्या बोल के आते हैं? मतलब आप तो कबड्डी कबड्डी बोलते हैं। वो भी मतलब बोलते कबड्डी है, पर थोड़ा तरीका अलग, जैसे कबड्डी कबड्डी, मतलब थोड़ा 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 सा डिफरेंस। जैसे ब्रिटिश लोग तो बोलते ना कैबडी 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 कैबडी, ऐसे ही ऐसे। अच्छा पाजी, ये बात सच्ची कि आप, मैं, मेरे मन में क्यूरियोसिटी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं जैसे आप सांस आपकी टूटने से पहले आपको उनके पाले में जाके उनको छू के वापस आना है, अगर उसने रिक्वायर्ड टाइम में आप नहीं छू पाए फिर भी आपको वापस आना है, तो जो सांस टूट जाती कभी कभी, किसी की तो टूटती होगी, ऐसा तो नहीं होता होगा कि नहीं टूट जाती है? टूट जाती तो पता चल जाता सबको? नहीं, पता नहीं चलता वैसे, क्योंकि मूवमेंट में रहते हैं ना, बॉडी मूवमेंट। एक्चुअली हाँ, जिसको भी सांस ले लियो कबड्डी कबड्डी कबड्डी, कैसे पता चलेगा? अच्छा, मैंने बातों बातों में नोटिस ही नहीं किया, ये अपने सामान उठाने वाले को भी साथ लाए हैं। कपिल शर्मा, मेरी बात सुनो यार, मैं आपको सामान उठाने वाला लग रहा हूँ। तो तुझे क्या लग रहा है, ये टी शर्ट पहन के तू को भूटान का प्रिंस लग रहा है? तेरे को शर्म नहीं आती वर्ल्ड चैंपियंस के साथ आके बैठा हुआ है? शर्म किस बात की, मैं कौन सा नंगा बैठा हूँ? तो, और शर्मा जी, मेरी बात सुनो, आराम से रहना, मैं कबड्डी का प्लेयर हूँ बहुत बड़ा, एक मिनट में आपको यहीं पर चित कर दूंगा आपको। ऐसे हाथ ना मार, टूट जाएगा तेरा ये। इसके घुटने देखो पाजी। अच्छा, इसका ध्यान पाजी घुटनों की तरफ ही जाता है, और भी बड़ी चीजें लगी हुई है मुझे। तेरे को पता है ये देश के लिए शर्म की बात है, घुटने ढक के आकर ऐसा लग रहा है हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी चल रही है। देख कैसा तेरा मुंह, तो तेरे घुटने से भी बुरा वैसे, पर तुझे कबड्डी कहाँ से आ गई? आप ये दुकान से सामान उठा के भागने को कबड्डी नहीं कहते, उसे चोरी कहते हैं, कबड्डी ये खेलते हैं। अच्छा पाजी, मैं इतना प्रोफेशनल हूँ, मैं तो मतलब मेरे घर में तो लड़की वाले देखने आते ना मुझे, तो मैं उनसे भी चाय के पैसे ले लेता था। तुझे पता है ना, रिश्ता तो होना नहीं।
पैसे तेरा तो पैसे लेने बनता नहीं, तेरे तो मुंह पे चाय थूक के गए थे वो लोग। बदतमीज आदमी आ गया। ये तो आप शर्मा जी बातें बना रहे हो, मैं बता रहा हूं। तो बातें बनाएंगे और क्या करेंगे, इतना बेवकूफ आदमी ना बाजी, शुरू से अक्ल नहीं। मैं तो बचपन से जानता हूं ना, बचपन में बोलते ना मम्मी चलो बेटा चलो निक्कर पहनो, कहता ये लो पहना दो निक्कर, इधर पहनते इधर कौन पहनता है। इनको बोला मम्मी ने निक्कर पहन लो, कहते नहीं मम्मी मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अच्छा बचपन में क्या फर्क पड़ता है भाई, क्या कोई फर्क। अरे बच्चे को भूख लगती, बच्चा खाना मांगता है मम्मी खाना दे दो, सोच ही भी खा रही वाली माँ को कहता था। चलो भाजी मैं मांग तो था, ये तो खाना लूट कर खाते थे। भाजी मैं इसके कॉन्फिडेंस की बात बताऊं, इसका कॉन्फिडेंस इतना लो है अपनी शादी में भी ये खाना नहीं मांग पाया ढंग से। उधर बराती खा रहे थे उनको अच्छा आपको पक्का यकीन है मुझे कबड्डी नहीं आती? मुझे 100% यकीन है कबड्डी दूर की बात है, तेरे को एबीसीडी भी नहीं आती मेरे को लगता है। वो तो मेरी इंग्लिश कमजोर है इसलिए नहीं आती। तो का खा घा सुना दे चल, वो मेरी हिंदी कमजोर है। कमजोरी के मरीज तेरे में है क्या मजबूत मेरे को बता। मेरा इरादा बड़ा मजबूत है। चलो ठीक है मेरी बात सुनो। सर आप ना थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए कि कैसे कैसे खेलते हैं। तो मेरे को तो ऐसे लग रहा मारने आ रहे हैं इधर। चंदू तूने भाग के आना और छू के वापस भागने की कोशिश करनी, ठीक है? तीस सेकंड के अंदर अंदर लाल चड्डी को पहनी तूने, तेरे को लूज मोशन है। चला रेड नहीं हूं, आप रेड। अच्छा क्या करना है मैंने आगे? भाग के आना, छू के भागने की कोशिश करनी है, उसको छू के वापस भागना है। छू के वापस भागना है पर आपने भागने नहीं देना। चलो ठीक है, उनकी मर्जी, वो देखेंगे। हाँ चलना। ओए टांगे बहुत गंदी रखी, उतार के रख दे। बहुत ज्यादा ढंग की टांग होती तो एक्सपोज करता, क्या है ये? ऐसे तो कोरिया वाले ग्लूकोज लगाना हो तो मिले ना कुछ लगा, कहाँ आराम से। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है तेरी टांगे। हाँ जी आ जाओ जी, ना मार मैं कहता टूट जाएगा ना कर। तेरी बात सुन, तुझे क्या लगा था कि तुझे क्या लगा था जो पूरी दुनिया को हरा के आए हैं तो तेरे से हारेंगे? तेरे को कुछ शर्म चाहिए, तेरे को आके किसी से भी आके माथा लगा ले, तेरे भगवान को जान देनी है। क्या करूं अब, मेरा दोस्त है, तेरे को कितनी बार कहा ये इस पे लेमिनेशन करा पहले से। इतने गंदे घुटने मैंने बेटे आज तक नहीं देखे यार, मेरे को समझ में नहीं आती आप मेरे को इसको गंदा क्यों कह रहे हैं, आपने चुम्मियां लेनी है इसकी। क्या क्यों क्यों गंदे आप कह रहे हैं आप? भाई ये जो तेरे घुटने हैं ना 1990 में मैंने जीरो बनाया था उससे भी गंदे हैं। इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। मैं कहता हूँ जा अच्छा सा हार्ट अटैक देख के मर जा। जाना अभी भी कैसे करें, जाना ही पड़ेगा। मैं हिम्मत की दाद देता हूँ, वर्ल्ड चैंपियन आए आके पे, हाँ। 5 रुपए की निक्कर लेके आगे बैठ गए। निक्कर तो फिर भी ठीक है, बीच में बंसरी जैसी टांगे हैं। जा चला जा चल। सर मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बात सुन बात सुन सर। चंदू चंदू मैं तेरे को एक बात बोलनी भूल गया। आई लव यू। लाना था तेरे पे जा। छोटे छोटे सवाल आते हैं ऐसे, कोई भी हम लोग खेल देखते हैं, जैसे मॉडलिंग करती हैं लड़कियां, लड़के मॉडलिंग करते हैं, कई बार वार्डरोब मेल फंक्शन हो जाता है, कभी कपड़ा इधर से गिर गया, बीच में न्यूज में भी आया था। हालांकि वो तो चुपचाप अपने रैंप पे चलते हैं अकेले, कोई किसी को तंग भी नहीं करता। इधर तो आपने पूरा जकड़ना है एक दूसरे को पकड़ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे आपने किसी को पकड़ा और लंगोट आपके हाथ में आ गया प्लेयर? बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है इस समय, हो जाता है। समय तो प्लेयर भागता होगा उसको कवर करने की कोशिश करते हैं और प्लेयर जो बाकी। अच्छा दूसरी कई बार हो जाता है, मतलब इज्जत के मामले में दोनों टीमें साथ कवर कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है भाजी। वैसे कबड्डी में जिसकी ज्यादा हाइट हो वो उसका ज्यादा फायदा रहता है, क्योंकि लंबा अगर आदमी तो लकीर पे हाथ जल्दी पहुंच जाता है, छोटा है तो उसकी टांग नहीं पकड़ में आती, तो ज्यादा फायदेमंद कौन रहता है, ज्यादा लंबा आदमी? फायदेमंद दोनों आदमी में क्वालिटी होनी चाहिए, जिसमें क्वालिटी चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा। अजय ठाकुर काफी लंबे हैं जी और जसवीर काफी छोटे हैं, पर जसवीर भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं और अजय भी बहुत अच्छा प्लेयर है, तो टैलेंट की बात होती है।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.